अचानक सभी को चकमा देकर वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, अकेले ही मचाया भयंकर कोहराम। जी हां, आपको तय चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। लोकसभा के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर प्रियंका गांधी का सड़कों पर जिस तरीके से आज स्वागत किया गया है, इससे तो यह साफ हो गया कि वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बंपर जीत होने वाली है। दरअसल आपको बताया चले कि एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के धुरंधर भी मिशन 2024 फतह करने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी, लेकिन चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड में एक रोड शो किया, जिसमें देखा जा सकता है कि लाखों की तादाद में प्रियंका गांधी को देखने के लिए सड़कों पर जनता जनार्दन मौजूद थी। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जी आपको बताया चले कि आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, और आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में पहुंचकर भाई राहुल गांधी के लिए एक जनसभा को संबोधित करने वाली है। लेकिन सभा को संबोधित करने से पहले जिस तरीके से आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के समर्थन में सड़कों पर लोग नजर आए, इससे तो यह साफ हो गया कि वायनाड में कांग्रेस की धमाकेदार जीत होने वाली है। फिलहाल इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा और पता चलेगा कि 4 जून को वायनाड में कौन सा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा के अंदर पहुंचने वाला है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।